मंगलवार को कनाडा और नाइजीरिया के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कनाडा को 50 रनों की बड़ी जीत मिली। हालांकि इस मुकाबले में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से कुछ देर के लिए मैच रोकना पड़ा। ये घटना इतनी मजेदार थी कि एम्पायर, खिलाड़ी और मैदान में बैठे दर्शक पेट पकड़कर हंसने लगे। मैदान से बाहर भागा बल्लेबाज। दरअसल लक्ष्य का पीछा कर रही नाइजीरिया की टीम के बल्लेबाज सुलेमान मुंसे भी अचानक मैच छोड़कर मैदान से बाहर भाग गए। ये घटना 8वें ओवर में हुई और एम्पायर और विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी सकते में आ गए कि आखिर सुलेमान क्यों भाग रहे हैं। काफी देर तक सुलेमान जब मैदान पर वापस नहीं लौटे तो कप्तान एडेमोला ओनिकोई खुद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जाने लगे, लेकिन सभी एम्पायर्स को सुलेमान दिखाई दिए और उन्होंने नाइजीरियाई कप्तान एडेमोला को वापस जाने के लिए कहा। सुलेमान को लग गई थी टॉयलेट। सुलेमान के अचानक से मैदान से बाहर जाने की वजह थी पेशाब। दरअसल बल्लेबाजी के दौरान सुलेमान को पेशाब लग गई, जिसके बाद वो बिना बताए ही मैदान छोड़कर भाग गए। बाद में उन्हें अपना थाई पैड और पैंट को ऊपर करते हुए देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मैदान में वापसी के बाद सुलेमान कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।